This is Ranjit Jadhav from Midday Newspaper. I write about wildlife and environment. We at Midday are starting a video series, Navigating the Wild, which will have stories about wildlife from Maharashtra. First video is about a team of people working in RA Milk Colony, and they have been doing camera trapping exercise. So they are not wildlife experts, but they are like-minded citizens just like you and me. It is their passion for leopards which got them together, and they started working from 2015-16, and till date they are doing camera trapping exercise in RA. बचपन से हम लेपर्ड देख रहे हैं, लेकिन क्या है उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं था. पहले देखते थे तो उसको डर जाते थे, लकड़ी बजाना, आग जलाना, फटाके वगैरह फोड़ना. ऐसा लगता था कि अरे ये दिख गया, आज ये दिखना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए यहाँ पे. जैसे रिसर्चर से मिला, उनके वो जो कैमरा लगाते थे उनमें फ़ोटोज़ वगैरह देखे, तो उसे पता चला कि ये घरों के नज़दीक भी होता है कभी कभी, लेकिन हमें पता नहीं चलता. बेसिकली तो वो हर रोज़ होता है, लेकिन हमें पता कभी कभी चलता है. कैमरा ट्रैपिंग जो हम लोग करते हैं लेपर्ड्स के लिए, सो पहले हम लोग लोकेशन डिसाइड करते हैं, या लोकेशन हम लोग घूमते हैं जब जंगलों में, तो पता चलता है हमको कि कहाँ कहाँ पे एनिमल घूमा है. So as we walk around in the jungle, there are several things which we notice, and that's how we get to know that the leopard is present in this particular vicinity. So as we just came from this path, and here if you see, this is a proper scrape marking. When any individual animal walks in the direction from its hind leg or the back leg, they push the mud and this part behind so that it states that this is the territory. Simultaneously, they also spray their urine over there to indicate that this is my territory, don't come around, for the other leopards. Then there are several times claw markings on the trees, which are also indicate that there is leopard present in and around the vicinity. The leopard will roam anywhere and everywhere, but these are the signs based on which we identify the location where to place the camera traps. ये जो कैमरा दिख रहा है यहाँ पे, इस ये फ्लैश वाला कैमरा है. इसीलिए ये जो कैमराज होते हैं मोशन सेंसर बेस्ड होते हैं, कोई भी एक्टिविटी उसके सामने होती है, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर एनिमल हो, तो ऑटोमेटिकली कैप्चर करता है. तो ये जब हम लगाते हैं तो नी हाइट पे लगाते हैं, क्योंकि लेपर्ड का जो हाइट है वो हमारे नी हाइट तक ही होता है. सो आफ्टर इंस्टॉलिंग कैमरा, नेक्स्ट डे हमारी टीम पूरी आती है यहाँ पे. जैसे हम लोग ने यहाँ पे जो कैमरा लगाया आपके हमारे मेरे पीछे है, उसमें से हम लोग कार्ड निकाल के फिर हम लोग जब डेटा चेक करते हैं तो उसमें बहुत सारे फोटोज़ होते हैं. लाइक कोई एक्टिविटी चल रही है तो वो क्या होता है, सेंसर कैप्चर करके वो फोटो ट्रिगर होता है. लेकिन जब एनिमल का कोई भी फोटो हमें उनको मिलता है, उनको आइडेंटिफाई करना है, बिकॉज देर आर सो मेनी एनिमल्स, सो वी डोंट नो विच एनिमल इज दिस. उसमें से उसका लेफ्ट एंड राइट साइड का जो रोजेट पैटर्न होता है, तो हम लोग उसको मैप करते हैं, उसका जो भी बॉडी का पैटर्न है उस बॉडी के पैटर्न्स को, और हमारे पास जो PDF है उसमें चेक करते हैं, और उससे हमको पता चलता है कि ये कौन सा एनिमल्स है और ये एनिमल कौन से लोकेशंस पे है. यहाँ से फिर उसका नेक्स्ट लोकेशन कहाँ पर, जो हमारे मल्टीपल एरिया में कैमरा है, तो उससे हम लोग को फिर ये आईडी पता चलता है कि एनिमल्स कहाँ कहाँ पे घूमते हैं. Because of their camera trapping exercise, the government or the forest department was able to understand that, you know, there are resident leopards in RA Milk Colony too, which roam in this area, which give birth to litters in this same area. वही कैमरा ट्रैप हम लोग को और भी कोई छोटा प्रेडेटर, जैसे कि सिविट कैट हो गया,
या फिर जंगल कैट हो गया, मंगूस हो गया, अगर कोई भी चीज़ उसके सामने से जाएगा तो डेफिनेटली वो फोटो क्लिक करता है, तो उससे हम लोग को पता चलता है कि और क्या क्या जानवर वो पाथ यूज़ कर रहे हैं, और उसी के थ्रू हमें ऐसा पता चलता है कि वो सिर्फ अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं आगे जाने के लिए, किसी को कुछ हार्म नहीं पहुंचा रहे। हम जो कैमरा ट्रैपिंग का ग्रुप है वो सारे सब जनों को जाके समझाते हैं कि ये जो आ रहा है ये रोज़ आ रहा है, ये आपको प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, वो सिर्फ अपने रास्ते से निकल जा रहा है। अगर आप जंगल के थ्रू पास भी हो रहे हो तो बातें करके जाना है, टॉर्च लेके जाना है। कई बार ऐसे भी होता है कि हमने एनिमल को नहीं देखा है लेकिन एनिमल हमने देख चुका होता है, वो अपना रास्ता बदल चुका होता है। कई बार ऐसे भी होता है कि कैमरा हम लगा के जस्ट 2 मिनट हुआ निकले हैं और तुरंत लेपर्ड आकर पानी पीकर गया है। Because of the camera trapping exercise which the group is doing, the forest department is able to get data which they can correlate when there is man-animal conflict incident in RA Mill Colony. The images or the videos which they have of the leopards from this area help the forest department in identifying the suspected animal which is responsible for conflict. And because of the efforts taken by this team, there have been several instances also where the suspected animal was successfully trapped. जो हमारा रिसेंटली जो अक्टूबर 2021 में जो एक इशू हुआ था, जो लेपर्ड अटैक कर रहा था लोगों पे, 7 to 8 लोगों पे, बट किसी को किल नहीं किया था, उसने सिर्फ एक अटैक किया था, तो वो जो लेपर्ड था जीटा और डेल्टा दोनों सिस्टर्स थी जो बियंका के दोनों कब्स थे, और वो लेपर्ड्स के जो पैटर्न्स थे जब वो अटैक्स होने लगे तो हमने उनके फुटेज निकाले, वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जाके उनका अटैक्स जब पता चला तो हम लोग, हमारा पूरा आरए का टीम वहाँ पे रहता था, जो भी हमारा 7 to 8 पीपल्स का टीम है, हम लोग वहाँ पे जाते थे, लोगों को समझाते थे, लोगों को अवेयरनेस का ये बताते थे कि एनिमल्स अगर जा रहा है तो आप उसके सामने मत जाओ, उसको अपना काम करने दो। उससे जैसे कि कुछ अंतर रखना जरूरी है, जैसे कि उसके सामने बैठने जाना है, और एक बार ठीक है हो गया तो एक दो हाथ ऊपर करके भी उसको बोल सकते हैं कि रुका सकते हैं कि भाई रुक जाता है वो, ऐसा है नहीं कि हमारे साइड में भी बहुत से बार 5 फुट के डिस्टेंस में आ जाता है, रात के टाइम पे जैसे हम लोग दुआई पे रहते हैं तो अभी वो 5 फुट के दूरी पे आ जाता है, तो हम ऐसे उसको देख के डरते नहीं है, एक हाथ ऐसे ऊपर करके थोड़ा आवाज़ भी किया तो वो अपने हिसाब से वो निकल जाता है। सीसीटीवी फुटेज में आया था कि वो एक आंटी बैठी है और उनके ऊपर आके उसने अटैक किया, कन्फ्यूजन था कि वेदर इट इज़ द सस्पेक्टेड एनिमल या फिर इनोसेंट एनिमल, तो जब वो एनिमल्स को पकड़ के SGNP में लेके गए, उसके बाद फिर अटैक फिर से कंटिन्यूस थे, तो हमारा टीम का ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हमने वो एनिमल को बचपन से देखा था, हमारी टीम का ऑब्जर्वेशन था कि ये दूसरा एनिमल है जो अटैक नहीं कर रहा है, वो फिर भी अंदर है, फिर हमने डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की और जो सस्पेक्टेड एनिमल था उसको हम लोग ने कंटिन्यूस 33 डेज हम लोग ने मॉनिटरिंग किया, हमारा टीम नाइट डे लाइव कैमराज लगा के कंटिन्यूसली, हम लोग ऑल्टरनेटिव वे पे 2 जन नाइट करते थे, कोई दिन में रहता था, और उसमें वो लेपर्ड पकड़ा गया, और उससे फिर पकड़ने के बाद भी जब वो गेज में था तब हमने हम लोग उसका फ़ोटोज़ लिया, और उससे फिर हम लोग ने फिर से हमारे PDF फाइल से मैप किया कि ये सेम एनिमल है, सो जो सस्पेक्टेड एनिमल था उसको हम लोग ने फाइनली ट्रैप किया, उसके बाद जो इनिसेंट एनिमल जो डिपार्टमेंट के पास ट्रैप में बंद था, जब उस पर कॉलरिंग करके उसको रिलीज किया तो कॉलरिंग से ये पता चला कि वो एनिमल कौन से लोकेशन पे, जैसे कि IIT पवई हो गया, VR लेव हो गया, RA का रोड हो गया, सो RA का जो रोड है सो इवनिंग 6 to 7 o'clock लाइक 7-8 बजे के आसपास में, वो जो मेन रोड होता है RA में इवनिंग में इतनी ट्रैफिक होने के बावजूद भी वो रोड क्रॉस करके सक्सेसफुली कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं देता था, जो जहाँ पर उसको जाना था वो जाता था और किसी को कोई इंजरीज कोई हार्मफुल कुछ नहीं होता था। Earlier, what used to happen was whenever there used to be a sighting close to a building or a housing society or near a bungalow on the periphery of Sanjay Gandhi and also RA Mill Colony, the locals used to call forest department on the control room number and they used to demand that the forest department should immediately come and they should capture the leopard. But because of this citizen science project which the team is doing, which has people from all walks of life, what has happened is over the years the approach of people of looking towards leopard has changed. Now slowly people are also understanding that just a sighting doesn't mean that the leopard is a threat for people, but people are slowly learning how to live with leopards and peacefully coexist.
हम ये मैसेज देते कि भीड़ मत इकट्ठा करो, उसके करीब मत जाओ, उसको अपना एक रूम दो, वो अपने हिसाब से बैठेगा, अपने हिसाब से टाइम लेगा और वो चले जाएगा। दो दिन पहले ही एक साथ में 4 आ गए थे, उसकी मम्मी थी और 3 बच्चे थे, बैठे वो मोस्ट ऑफ 2.5 आवर्स ऐसा बैठा, वो अपने हिसाब से बैठे हो, फिर वो चले गए। हमको कुछ उसका हानि भी नहीं हुआ, उल्टा हमको देखने मिल गया कि भाई कितना छोटे से कितना बड़ा हो गया होगा। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दिया वाटर बॉडी, स्पेशली वाइल्ड एनिमल्स जो कि लेपर्ड्स है, बर्ड्स है, मंगूस, सिवेट, एवरी एनिमल्स जो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे पानी पीते हैं। और वो डिपार्टमेंट ने इसलिए दिया हुआ है कि ज़्यादा घरों के नज़दीक लेपर्ड्स जब आते हैं तो ज़्यादा नज़दीक नहीं जावे, घरों से थोड़ा दूर रहें, इसलिए वो दिया हुआ है। उसमें पानी मैं फ़िल करता हूँ, बेसिकली मुझे टाइम होता है तो मैं फ़िल करता हूँ, मैं नहीं हूँ तो पेरेंट्स फ़िल कर देते या फिर फ्रेंड्स वगैरह को टाइम है तो वो आके फ़िल कर देते हैं। हमारा कैमरा ट्रैपिंग का ग्रुप है, वो आके फ़िल कर देता है कभी। पहले ये लगता था कि ये कहाँ से आ गया, हम लोग खुद डरते थे। अभी ये ऐसे हो गया कि भाई ठीक है भाई, हमको उसका घर के अंदर, उसके घर के अंदर है, हमको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। रिसर्च के थ्रू पता चला है कि 42-47 लेपर्ड्स संजय गांधी नेशनल पार्क और आर ए मिल कॉलोनी के अराउंड मिले हैं, और उससे एक ही चीज़ प्रूव होती है कि लेपर्ड्स और ह्यूमन बींग्स के बीच में अगर को एग्जिस्टेंस हो गए तो लेपर्ड्स कैन ईजिली सर्वाइव। So this is the story about people staying in RA Milk Colony and how a citizen science project that is being carried out in RA Milk Colony along with the help of Forest Department is helping not just people but leopards of RA. We hope that you love this episode. We will be coming up with several other stories from Maharashtra in coming months. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.